हैदराबाद का और आया भी मींस आसिम सर की वजह से, उन्हें फॉलो करके उनको देख के कनाडा में, मुझे 2 वीक्स ही हुए हैं कनाडा में। हाँ और वेलकम करते हैं भाई को, हम SMS किया था एज ए स्टूडेंट और ऐसे ही आया हूँ UCW में। हाँ सारा फॉलो करके इनका ही प्रोसीजर ना, हर चीज़ खुद खुद ज़्यादा था, वीज़ा भी हर चीज़ आसिम भाई की है सारी। थैंक यू सो मच। ठीक हूँ, आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। किसको सपोर्ट करें, इंग्लैंड को? आज पागल है तो आज मैच देखने आए हो? थैंक्स टाटा सर ऑर्गेनाइज किया तो सी। थैंक यू जी, सी आए हो सारा वो की कहने में दिल की पंजाबी दिल बढ़ गया ना, सही वर्ड है। यहाँ पर बहुत सारे हमारे इंडियन फ्रेंड्स भी बैठे हैं, इंडिया से हैं, वो सपोर्ट करने हैं पाकिस्तान में, प्लीज क्लैपिंग करें उनके लिए, सब यहाँ पर बैठे हैं। थैंक यू जी, थैंक यू फॉर कमिंग। ये हमारे इंडिया से फ्रेंड्स हैं जी, यहाँ पर हमारे मेहमान हैं, वेलकम करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इनको। व्हाट डू यू थिंक, 138 डिफेंड हो जाएगा? कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। राइट नाउ इट्स नॉट रियली लुकिंग गुड फॉर पाकिस्तान, बट इंशाल्लाह इफ वी हैव होप एनीथिंग कैन हैपन। सो मच आप लोग यहाँ पर हैं, इंडिया से हैं आप लोग, हमारे मेहमान हैं। या होपफुली शाहीन, वी शुड बी शाहीन, या होपफुली आप के घर मैसेज पे जाना पड़ेगा, वो जो भाभी हैं शायद उनके मैसेज कुछ प्लीज। या इट्स किसकी, आफरीदी की बेटी, या प्लीज प्लीज सेंड मैसेज टू शाहीन आफरीदी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे जी। इस वक्त आप सबको पता है कि आज पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड का फाइनल हो रहा है जी, ICC T20 वर्ल्ड कप का फाइनल हो रहा है। पाकिस्तान फाइनल में पहुंची है और बहुत अच्छे तरीके से पाकिस्तान फाइनल में पहुंची और आज यहां पर फाइनल हो रहा है। हम लोग यहां पर कनाडा की एक सिटी है वैंकूवर, यहां पर हमने स्क्रीन लगाई और यहां पर आप हमारे पीछे देख सकते हैं बहुत बड़ी पाकिस्तानी कम्युनिटी है और अभी इस वक्त पीछे मैच जारी है, 8 ओवर हो चुके हैं, 50 रन्स हैं। फरजान भाई, पाकिस्तान टीम फाइनल खेल रही है, आपका क्या कहना है इस बारे में? मैं तो यही कहूंगा कि इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगी मैच किसी भी तरह, लेकिन जिस तरह ये खेल रहे हैं इनको तेज खेलना चाहिए, तेज खेला। 8 पे 50 इंग्लैंड टीम, जरा जो उनके ओपनर है ना जॉस बटलर और दूसरा एलेक्स हेल्स है, वो बहुत तेज खेलते हैं, थोड़ा सा तेज खेलना पड़ेगा। लेकिन अभी इंट्रोडक्शन मैंने क्या दे दूँ आपको, फिर आगे मैं आपको यहाँ के व्यूज दिखाता हूँ, सीन्स दिखाता हूँ क्या चल रहा है, यू नो बैटिंग जो भी है लोगों का, लोगों की आपको शोर दिखाऊंगा, उनकी एनर्जी आपको दिखाऊंगा, जो भी यहाँ पर होगा आपके साथ मैं शेयर करूंगा। चले फरजान भाई, लेट्स वॉच द मैच। ये देखें जी यहाँ पर ये चाय का भी बंदोबस्त है जी, यू गाइस ऑल नो चाय वाला को कौन नहीं जानता। ये देखें जी चाय वाला है और यहाँ पर इनकी चाय है और ये यहाँ पर B&K एसोसिएट्स, ये एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है बिलाल भाई, बेसिकली वो चाय जो है ना सारी उनकी तरफ से सबको जा रही है। सो थैंक यू सो मच टू B&K एसोसिएट्स, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है बिलाल भाई, अभी उनको सामने लेके आएंगे और वो सबको जो है ना यहाँ पर चाय दे रहे हैं। अभी दिल अपना पाकिस्तान भी बैठा हुआ है यहाँ पर इंतखाब भाई। ओके देयर वी गो, चौका हो जाए प्लीज प्लीज। अच्छा यहाँ पर चौका वही हुआ। अच्छा यहाँ पर हमारे कुछ इंडियन फ्रेंड्स भी आए हुए हैं जी पाकिस्तान को सपोर्ट करने और हम आपको स्पेशल वेलकम करते हैं जी। आप तीनों इंडिया से हैं मैंने सुना है, वेलकम। यार हमने बड़ी कोशिश की हम आपसे फाइनल खेलें, वो मज़ा नहीं आ रहा जो इंडिया के साथ होता अनफॉर्चुनेटली। तो ये हमारे इंडिया से जी हमारे मेहमान हैं यहाँ पर, हम हमारे पास आए हैं मैच देखने, वेलकम जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ये जी हमारे इंडियन फ्रेंड्स थे, मेहमान थे हमारे और यहाँ पर पाकिस्तान को सपोर्ट करें। दिस इज कनाडा गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, गुड टू सी यू माय ब्रदर फ्रॉम इंडिया। कहाँ से इंडिया, कहाँ से? इंडिया मैं हैदराबाद से। ये हैदराबाद से हैं जो मेरे हैदराबाद से फॉलोअर्स हैं, आप अगर इनको देख रहे हैं पहचानते हैं तो एक कमेंट डाल के इनका नाम बता दीजिएगा, आपने बताना अपना ये बताएंगे। ठीक है जरूर। और ठीक है, ये ठीक है, एंजॉय एंजॉय द मैच, एंजॉय करें, गुड गुड, परफेक्ट परफेक्ट। ये है जी हमारी छोटी सी पाकिस्तानी कम्युनिटी यहाँ पर वैंकूवर में, अगर आप ग्रेटर आप टोरंटो चले जाएँ तो वहाँ पर आपको ज़्यादा पाकिस्तानी कम्युनिटी नजर आएगी, लेकिन यहाँ पर आप इतनी ज़्यादा पाकिस्तानी कम्युनिटी, लेकिन आज काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर जमा हैं, साथ मिलकर हम लोग मैच देख रहे हैं पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड का फाइनल। महल में इससे बड़ा दिन कोई नहीं होगा हमारे लिए पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए कि हम लोग पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड का फाइनल मैच एक साथ इकट्ठे होकर देख रहे हैं, बहुत अर्से बाद इस तरह का एक अच्छा मैच मिला हमें।
और हम बहुत ज़्यादा इस वक्त आप देख रहे होंगे लोग कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं इस मैच को, कितना इन्जॉय कर रहे हैं, एक छक्के हर चौके पे, एक सिंगल पे लोग बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं। तो अभी वन बाय वन आपकी लोगों से बात करवाएंगे। ठीक हाँ, चाय बिल्कुल चाय लेने जाके, चाय लेने। अशरफ भाई सलाम अलैकुम, कैसे हैं? सलाम साजिद भाई, गुड टू सी यू, माशाल्लाह, गुड टू सी यू, माशाल्लाह, वेलकम बैक। भाई कैसे हैं? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आसम, आपने अरेंज किया है, बहुत-बहुत शुक्रिया अमरे भाई। नदीम भाई सलाम अलैकुम, सर कैसा लग रहा है मैच आज आप देख रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह, और बड़ा अच्छा लग रहा है, सब लोग एक साथ बैठ के देख रहे हैं, सारी फैमिलीज भी हैं, यंग भी हैं, सीनियर भी हैं, और एक्साइटमेंट है। गेम का मतलब ये था पार्टिसिपेशन, और इन्जॉय कर रहे हैं हम इस वक्त BC कैनेडा में, सरी में जी, तो माशाल्लाह कितना अच्छा टाइम है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। बिलाल भाई, ये बिलाल भाई की तरफ से आप सबके लिए चाय वाला की चाय आपके लिए। बिलाल भाई का अपना यहाँ पर, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, BNK एसोसिएट्स के नाम से इनकी कंपनी है जी, और ये स्मॉल बिजनेस और कॉर्पोरेट को आप डील करते हैं। तो बिलाल भाई आप सबको यहाँ पर चाय वाला चाय दे रहे हैं। थैंक यू भाई। अच्छा जी, चाय वाला की चाय हम इस वक्त पी रहे हैं, ये देखें जी, एक सेकंड मैं आपको उसका लोगो दिखाता हूँ। ये देखें जी, चाय वाला की चाय काफ़ी फेमस है, आप सबको पता ही है चाय वाला का। चाय वाला की चाय मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई कर, वाकई बहुत अच्छी चाय है चाय वाला की। मैच देखने का मज़ा ही कुछ और हो रहा है इसके साथ, हम बेहतरीन सर इन्जॉय कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे हम पाकिस्तान में लाहौर में खड़े, सब आपकी वजह से ही हो रहा है ना, इंशाल्लाह इंशाल्लाह बेहतरीन। यस यस, थैंक यू। कैसा लग रहा है मैच? आप इंडिया से हैं? ओह वेलकम यार, ये हमारे इंडियन फ्रेंड है यार। हमारी बड़ी ख्वाहिश थी कि इंडिया फाइनल में आता, अनफॉर्चुनेटली नहीं आ सका। अगर इंडिया आता तो ये बहुत बड़ा क्राउड होता है इस वक्त, लेकिन चले कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम। तो कैसा लग रहा है? इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अभी तो पाकिस्तान के साथ है तो इंशाल्लाह पाकिस्तान जीत जाए यार। अगर इंडिया फाइनल तो हम भी उनको सपोर्ट करते हैं यार, एक ही बात है यार, एक तो आए ना एशिया की टीम, राइट? चले पाकिस्तान जीतेगा, जीतेगा, जीतेगा। यार थोड़ा सा स्लो खेल रहे हैं, थोड़ा तेज खेलना पड़ेगा। इंग्लैंड की टीम है, इंग्लैंड की टीम तेज खेलती है, 10 ओवर में 70 रन हो चुके हैं, ठीक है, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ थोड़ा सा मुझे मुश्किल लग रहा है, थोड़ा सा स्कोर ज़्यादा होना चाहिए इस वक्त। लेट्स सी क्या होता है। Four over, 98 runs, 4 out, 14 ओवर हो चुके हैं। यहाँ पर बहुत सारे हमारे इंडियन फ्रेंड्स भी बैठे हैं, इंडिया से हैं, वो सपोर्ट करने हैं पाकिस्तान में, प्लीज क्लैपिंग करेंगे उनके लिए, सब यहाँ पर बैठे हैं। थैंक यू जी, थैंक यू फॉर कमिंग। गाइस, ये दिल अपना पाकिस्तान के CEO हैं जी, इंतखाब भाई, बहुत फेमस चैनल है यहाँ का, और पाकिस्तान का कभी भी कोई भी शो, इवेंट, कुछ भी ऐसा होता है उसको ये कवर करते हैं, पाकिस्तान के एम्बेसडर आप कह सकते हैं, यहाँ पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं बड़े अच्छे तरीके से। इंतखाब भाई थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, कैसा लग रहा है आज मैच देख रहे हैं? आसिम भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना अच्छा ये बड़ी स्क्रीन पे जो ये अरेंज किया है, और पाकिस्तानी कम्युनिटी बिल्कुल ऐसा लग रहा है हम ग्राउंड में बैठ के देख रहे हैं, और अभी जो चौका लगा मुश्ताक की गेंद पे, क्या है क्या क्या नहीं, और उस पर जो नारेबाजी हुई है, और इतना एंथुजियास्टिक क्राउड है यहाँ पे, हमारा बहुत ही अच्छा लग रहा है। वैंकूवर में मिनी पाकिस्तान क्रिएट कर दिया आपने, बहुत सबको इकट्ठा कर दिया है। थैंक यू सो मच, दिल अपना पाकिस्तान जरूर देखें, यूट्यूब फेसबुक दोनों पर, बहुत मजा आएगा आपको, कैनेडा के प्रोग्राम में मिलेंगे। पाकिस्तान वैंकूवर की जान, दिल अपना पाकिस्तान। थैंक यू। हाँ जी, 118 रन हो चुके हैं, 15.5 ओवर्स और 4 आउट हैं। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 170 रन हो जाए तो मैच बन सकता है क्या? इंशाल्लाह इंशाल्लाह 170 होने चाहिए इंशाल्लाह, और पाकिस्तान जीतेगा। अशरफ भाई भी बैठे हैं जी, बिलाल भाई, BNK एसोसिएट्स, द वन हु जस्ट गेव अस चाय वाला की चाय, बड़ा मज़ा आया, चाय बहुत अच्छी थी, थैंक यू सो मच। ये है मेन एंट्रेंस, यहाँ पर पहले किसी की शादी थी, आई डोंट नो क्या था, कुछ था यहाँ पर, तो अभी यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये सारे लोग बैठे हैं, ह्यूज क्राउड जी, नॉट बैड सिंस आई सेड के पाकिस्तानी कम्युनिटी इतनी ज़्यादा नहीं है वैंकूवर में, लेकिन स्टिल देर आर लॉट ऑफ पीपल हेयर, देर हेयर टू सपोर्ट पाकिस्तान। तुम जीतो या हारो, सुनो हमें तुमसे प्यार है, हमें तुमसे प्यार है, तेरा एहसान है, नीदरलैंड तेरा एहसान है, तूने हमें फाइनल में पहुंचा दिया, बड़ी मेहरबानी।
वो इनको एतबार नहीं अपनी टीम पर, कुछ नहीं होता इंशाल्लाह, बेटर होगा, काम बेटर होगा। चलो भैया, बड़ी टेंशन चल रही है। 131 रन, 7 आउट, 19 चार या 2 ओवर, पिछले 3 ओवर में टोटल 10 के 12 रन लगे हैं। मोहम्मद वसीम भाई, छक्का ही मार दो कभी यार, खुदा के बंदे, जब जरूरत होती तब लोग तुम लोग खेलते ही नहीं हो, सीरियसली यार। जी सो एक इनिंग हो चुकी है, 138 रन्स का टारगेट पाकिस्तान ने दिया है इंग्लैंड को। दुआई कर सकते हैं, दुआओं से ही अब कुछ ना कुछ होगा, हमेशा दुआओं से होता है पाकिस्तान का। पाकिस्तान सेमीफाइनल में दुआओं से पहुंचा है, और 138 रन बड़ा मुश्किल है साहिल भाई, लेकिन क्या कहते हैं, क्या होगा, व्हाट डू यू थिंक? अगर 2 विकेट गिर जाते हैं, 3 विकेट गिर जाते हैं ना, तो प्रेशर बन जाएगा, एक मैच देखने मजा आ जाएगा। होप रखनी चाहिए, होप तो रखेंगे सर, होप तो रखेंगे सर, होप रखिए। स्टार्टिंग के सेमीफाइनल में पहुंचा दिया, पावर प्ले जो है आपको बता देगा कि मैच किस तरफ जा रहा है, पावर प्ले बताएगा बिल्कुल जी। हां जी शाम में आपको क्या भाई साहब, ये 15 ओवर की गेम है, 15 ओवर में ये मैच खत्म हो जाएगा, या तो बारिश हो जाए। हां बारिश हो जाए, बिल्कुल हो सकता है, बारिश हो जाए, इंशाल्लाह दुआ करें बारिश होगी, तेज बारिश होनी है, दुआ करो बारिश लग जाए, बारिश तेज वाली, दोनों को ट्रॉफी मिल जाए हाफ हाफ। कैसा लग रहा है मैच? जी मैच थोड़ा परेशान लग रहे हैं मुझे सारे पाकिस्तानी, थोड़ा उन्होंने बॉलिंग जरा अच्छी की है, कर दी है ना, थोड़ा हमने कोई 20 को रन कम, 4 ओवर में 15 रन लगे हैं जी, 14 के 15 रन, 20-25 रन कम है, 160-170 गुड टोटल था, पर अभी भी फाइट हो सकती है, दुआ करते हैं, दुआओं से चलते हैं भाई। मैं सिर्फ इतना आसिम भाई आपको बोलूंगा, पाकिस्तान मैच जीतेगा, 120-115 पे इंग्लैंड की अल्टी आउट होगी इंशाल्लाह, अल्लाह करे। फरजान भाई आपके मुंह में घी शक्कर ले गया, कैमरा आज आ गया, बात करते हैं। ये मेरा दो बड़ा अच्छा दोस्त भी है, फॉलोअर भी है, कहाँ से? पाकिस्तान से। मैं पाकिस्तान से हूँ, और जब छोटा बच्चा था तब सोए आपको फॉलो कर रहा, मैं इतना पढ़ा नहीं, नहीं 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 नहीं, जब बैचलर में था। पाकिस्तानी एक्टर है ना रंगीला, उनका भतीजा। नहीं मैं कहाँ से हूँ तुम? पाकिस्तान से। मैं पाकिस्तान सिंध से हूँ, हैदराबाद से। और ये सिंध से हैदराबाद से गाइस, हैदराबाद का, और आया भी मींस आसिम सर की वजह से, उन्हें फॉलो करके उनको देख के कनाडा में, मुझे 2 वीक्स ही हुए हैं कनाडा। हाँ ओ वेलकम करते हैं भाई को, हम एसएमएस किया था एज ए स्टूडेंट, और ऐसे ही आया हूँ यूसीडब्ल्यू में, हाँ सारा फॉलो करके, इनका ही प्रोसीजर ना हर चीज़, खुद जा रहा था वीजा भी, हर चीज़ आसिम भाई की है सारी। थैंक यू सो मच, थैंक यू, वेलकम टू कनाडा जी, आई होप आपका सफर अच्छा गुजरेगा। राशिद भाई, लाल भाई, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सर, आपने चाय स्पॉन्सर किया, एक और चाय वाला की तरह, चाय वाला की चाय, कैसा लग रहा है? बहुत जबरदस्त, बहुत मजा आया माशाल्लाह, आप लोगों जो अरेंज किया है एक्सीलेंट था। चलें थैंक यू सो मच, एंजॉय कर रहे हैं मैच, बहुत जबरदस्त मजा आ रहा है, इंशाल्लाह दुआ है अल्लाह ताला बेहतर होगा, कोई हिम्मत मत हारें, अल्लाह पर यकीन रखें, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, अगर अल्लाह ताला ने जिताना हो तो जरूर जाएगा, बिल्कुल फिक्र ना करें। चलें होप अच्छी, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। कैसा लग रहा है भाई मैच, मजा आ रहा है भाई? बड़ा बेहतरीन, अब देखते हैं पाकिस्तान क्या करता है। चले कुछ चले, ना कुछ कुदरत, उम्मीद है कुदरत का निज़ाम कुछ चल सकता है। चले लेट्स सी, लेट्स सी, लेट्स सी, लेट्स सी, उम्मीद पे दुनिया कायम है ना, तो हम भी उम्मीद पकड़ के अपना आगे आते हैं जी। एक नन्हा सा भाई हमारा जो बैठा हुआ, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम, ठीक हो आप? कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। किसको सपोर्ट करें, इंग्लैंड को? आज पागल लगता हूँ, पागल तो लगते हैं, इंग्लैंड भी अच्छी टीम है। मैं पाकिस्तानी हूँ। तो एक यूके में कितने पाकिस्तान रहते हैं? ज़्यादा रहते हैं, पूरी दुनिया में ज़्यादा पाकिस्तान यूके में रहते हैं, वो तो है। तो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ। जीत जाएगा पाकिस्तान, क्या लगता है आपको? मुश्किल है, मुश्किल है। चलिए झंडा तो लहराए ना पाकिस्तान के लिए, ये झंडा लहरा दीजिए भाई, ये लो ऐसे जी, पूरा हिल ऐसे हिलना चाहिए जी, परफेक्ट जी, थैंक यू। नाम क्या आपका? मोहम्मद। चले अस्सलाम वालेकुम, ओए कैसे सर? तू अभी इधर था, तू किधर? ये हमारे पेशावर के भाई हैं, पश्तो में जरा बताएंगे कैसा लग रहा है मैच का, पश्तो में बताना है आपने। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, इंशाल्लाह जी कम दिन होने खुशकोर लग दे, खूब कोशिश भी करो, इंशाल्लाह जी बॉलरान बानी डिपेंड की, बॉलरान जी कम दिन खो मैच हो की, इंशाल्लाह उम्मीद को अल्लाह ने पाकिस्तान जिंदाबाद। मुझे ये लगा यही समझ आई कि उन्होंने कहा कोशिश करेंगे, बॉलर्स पे डिपेंड करता है, पॉल पे डिपेंड करता है, ऐसा ही कुछ है। पश्चिम तो थोड़ी सी मुझे आती है, मैं पेशावर गया था। या, 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 आपके तो विजिट वहाँ से, हमारे गाँव से बहुत से लोग आपसे मिले हैं, उन्होंने उन्होंने मुझे जो है आपके पिक्चर्स वगैरह भेजे हैं, तो सारे लोगों को जो है तो इंशाल्लाह बड़ी अच्छी, बहुत मेहमान वाले, बड़ा अच्छा लगा मुझे, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। ऐसा लग रहा है कि जो हमारे इंडिया वाले फ्रेंड्स हैं वापस जा रहे हैं, आप लोग वापस जा रहे हैं? अभी तो पाकिस्तान ने जीतना है, जा रहे हैं अभी आप लोग? ये हमारे इंडिया से फ्रेंड्स हैं जी, यहाँ पर हमारे मेहमान हैं, वेलकम करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इनको। व्हाट डू यू थिंक, 138 डिफेंड हो जाएगा?
कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपको क्या लगता है भाईजान, पाकिस्तान जीत सकता है? हाँ साथ है। कौन लगता है, डिपेंड करता है 2020 है ना, T20 है। हाँ कुछ मे बी शाहीन अफरीदी इफ ही बॉल्स वेल, मे बी दैट वे यार, नसीम शाहीन। चले हम आपको वेलकम करते हैं, थैंक यू सो मच, आप लोग यहाँ पर हैं, इंडिया से हैं आप लोग, हमारे मेहमान हैं। और यू नो दिस इज समथिंग इन कैनेडा, यू नो लाइक इंडियन पाकिस्तानी वी सी यू आर वर्किंग लिविंग टुगेदर, यू नो वर्किंग टुगेदर, एंजॉइंग दीज फेस्टिवल्स टुगेदर, बट थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग, थैंक यू, अप्रिशिएट इट, अप्रिशिएट, थैंक यू, थैंक यू। सरदार जी सत श्री अकाल जी, ਚਕਲ ਭਾਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੈਚ ਦੇਖਣ ਆਏ ਹੋ, ਥੈਂਕਸ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਸਾਰਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿਲ, ਉਹ ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਿਲ ਵੱਧ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਹੀ ਵਰਡ ਹੈ, ਟਰਾਇੰਗ ਟੂ ਲਰਨ ਪੰਜਾਬੀ। ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ 138 ਕਾਫੀ ਕਮ ਸਕੋਰ ਹੈ, ਬਟ ਵਟ ਯੂ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬੋਲਿੰਗ, ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੋਲਰਸ ਨੋ ਡਾਊਟ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਓਪਨਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੋ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਹਸਲ ਅਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਵਰ ਪਲੇਅ 'ਚ, ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿੱਤ ਜਾਣਗੇ। ਬਸ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫੋਰ ਕਮਿੰਗ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਵਧੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਇਨਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਵਾਟ ਯੂ ਥਿੰਕ ਹੂ ਇਜ਼ ਗੋਇੰ ਟੂ ਵਿਨ, ਵਾਟ ਯੂ ਥਿੰਕ? ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਇਟਸ ਨਾਟ ਰੀਲੀ ਲੁਕਿੰਗ ਗੁੱਡ ਫੋਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬਟ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਫ ਵੀ ਹੈਵ ਹੋਪ ਐਨੀਥਿੰਗ ਕੈਨ ਹੈਪਨ। ਵੀ ਹੈਵ ਐਨੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਫਰਮ ਐਨੀਵਨ? Obviously Shaheen, because he takes a lot of wickets. Harris too, even Naseem. Aapko kya lagta hai kaun sa bowler jo hai pakad sakta hai? Shadab Khan. Probably Shadab, hopefully. Yeah. Power pe to khatam ho jayega na, usse pehle kuch karna hai aapko. Yeah, hopefully Shaheen. We should be Shaheen. Yeah, hopefully. Afridi ke ghar message jana padega, wo jo bhabhi hain shayad unke message kuch. Please, yeah. It's kiski? Afridi ki beti. Yeah, please send message to Shaheen Chafridi. Thank you much for inviting. Oh yeah, thank you. Thank you. We saw your message on WhatsApp. Thank you so much. Thank you. Thanks for coming. Very nice. Thank you so much. Enjoy the match. Thanks. अच्छा जी, ये हमारे अशरफ भाई हैं, इज वन ऑफ द बेस्ट रियल्टर हेयर इन वैंकूवर कैनेडा, इफ़ यू वांट टू परचेज अ हाउस दिस इज द बेस्ट गाय। अशरफ भाई व्हाट डू यू थिंक, टारगेट काफी कम है, बट व्हाट डू यू थिंक होगा 138 का टारगेट? वी आर होपिंग फॉर अनदर मिरेकल, अनदर मिरेकल थोड़ा, या लेकिन अभी इतना स्कोर कम है, तो इसमें अभी नीदरलैंड ही है, तो कैसे मिरेकल होगा? नेवर नो, अगर 6 ओवर में जिस तरह से हमारे पास 2-3 बॉलर अच्छे हैं, तो इफ वी गेट 3-4 विकेट्स इन 6 ओवर्स देन इंशाल्लाह, चले वी आर होपिंग फॉर, लेट्स होप फॉर गुड। चले थैंक यू सो मच, थैंक यू। और तुमने मेरे साथ, तुम्हें मैंने मिलना है बाद में, डिनर करेंगे, लंच या डिनर करेंगे? मैं था नहीं पाकिस्तान में, तुम्हारा खुद अरेंज करता रूम शूम का सारा, इजी हो गया था? मैं यार था नहीं यार, मैं कर लेता यार सारा। ओ भाई इंग्लैंड है, इंग्लैंड लोग काफ़ी परेशान है जी। आरिस रऊफ ने एक और विकेट निकाल दिया, 2 आउट हो चुके हैं अभी, चौथा ओवर है, 32 रन्स 2 आउट, एक विकेट और चाहिए। जॉस बटलर अगर यहां से चला गया तो मैच हमारा इंशाल्लाह। सारे जा रहे हैं यार, ये देखो सारे जा रहे हैं, पाकिस्तान मैच तकरीबन हार गया है, 8 बॉल पे 1 रन और सारे जा रहे हैं, 8 बॉल पे 1 रन, सारे लोग काफ़ी यू नो अफसरदा हैं इस वक्त। ये देखें 8 बॉल 1 रन और ये सारे खड़े हो गए हैं, घर जाने के लिए तैयार हैं सारे। हाँ जी, पाकिस्तान मैच हार चुका है जी, ये चेहरे देखें, ये चेहरे जा रहे हैं, मुरझाए चेहरे, ये पाकिस्तानियों के मुरझाए चेहरे देखें जी आप, और मेरे झंडे वापस लेके जाना सारे,
कैसा लगा मैच? यार देखें, दे फॉर हार्ड, कंग्रेचुलेशंस टू इंग्लैंड, उन्होंने जबरदस्त बॉलिंग कराई। हमारा टोटल जो था दैट वाज डेफिनेटली 21 शॉट, 15 अगर होते तो बिल्कुल। लेकिन लड़कों ने अच्छी फाइट की, अच्छा खेला यार, मजा आया देखने का, मजा आया देखने का। काश जीत जाते तो ज्यादा अच्छा लगता, लेकिन कोई ऐसा वो नहीं है क्योंकि बहुत अच्छा खेला पाकिस्तान ने। एग्जैक्टली फाइनल में यू नो इतना अच्छा जाके परफॉर्म किया। 138 इज नॉट अ गुड स्कोर, नॉट अ बिग स्कोर, बट स्टिल द वे दे बॉल, इट वाज अमेजिंग। आई थिंक पाकिस्तान वाइड टीम है जो इस स्कोर को भी एंड तक लेके जा सकती है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, ऑर्गेनाइजिंग दिस। कोई बात नहीं यार, अच्छा लगा आप लोग सारे आते हो, बड़ा अच्छा लगता है जुड़ते हो आप। बिलाल भाई स्पेशली थैंक यू फॉर यू नो स्पॉन्सरिंग द चाय, इट वॉज वंडरफुल चाय। और यू नो अगेन व्हेन आई व्हाट आई से टू यू गाइस कि बिलाल भाई की तरफ जाएंगे जैसे सीपीए माशाल्लाह सर्टिफाइड, एंड वी विल आस्क हिम कि हाउ डू यू गेट यू नो सीपीए सर्टिफिकेशन फ्रॉम कनाडा। आसिम भाई बहुत अच्छा लगा आपकी हॉस्पिटैलिटी एंड एवरीथिंग। कोई बात नहीं है, थैंक यू फॉर कमिंग यार, थैंक यू सो मच। इंडिया वाले भाइयों को सलाम देना मेरा आपने। जरूर जरूर जरूर, बहुत अच्छा खेला पाकिस्तान ने। बस अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? गुड, वेयर आर यू फ्रॉम? लाहौर। लाहौर से हो, लगते मैक्सिको ना मुझे। तो कब आए हो यहाँ पर, पहले से कब से हो यहाँ पर? 2012। कैसा लगा आज का जो फाइनल मैच था, क्या एक्सपेक्टेशन थी पाकिस्तान से? वो मुझे लग रहा था कि हम जीत जाएंगे, लेकिन इट्स ओके। थोड़ा सा अफसरदा है, थोड़ा सा सैड है। हाँ थोड़ा सा, आई मीन एट लीस्ट क्लोज स्कोर, क्लोज था, इतने दूर नहीं थे। Hey, thank you guys for coming. Of course. Thanks, thanks. Where are you from, by the way? Seattle. Yeah, thank you so much for coming. Thank you for coming. Thank you, man. Thank you for coming. Next, किसी? Alhamdulillah, जीत गए. England वाले. नेहरू भाई. क्या लगा? मजा आया यार, देखिए fight back किया इन लोगों ने. बहुत अच्छी fight की, खास तौर पे खारिज ने. जितने भी fast bowler हैं पाकिस्तान के पास, सबने अच्छा back किया अपनी team को. लेकिन इफ्तार चाचा वो एक सट्टा था, एक किस्म का आप कह सकते हैं कि वो देखो वो था ना मजबूरी है, वो कंडीशंस ऐसी थी कि उसमें उन्हें मारना था, तो वो अब शाहीन कैच उठा। मेरे ख्याल से अगर बाबर की जगह यहाँ वहाँ पर वो होता, शैडी शादाब होता या हारिस होता, दोनों में सारा मैच पकड़ लेना था, बिल्कुल थोड़ा सा वो ढीला है। अगर वो कैच पकड़ा जाता पाकिस्तान के हाथ में मैच आ सकता था। उसके बाद 16 स्कोर लगा उस ओवर में, अगर वो 16 ना लगता पाकिस्तान के हाथ में था मैच। खैर वसीम जूनियर वो भी दो चौके खा गया फिर, जो ना था हुआ, लेकिन मजा आया। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह, थैंक यू। अजी इंट्रोडक्शन मिड्रो शिड्रो सब कुछ हो गया, आउटरो शाउटरो कर देते हैं, अभी खत्म ही हो गया मैच शायद। तो अब अगला कप शप कब आ रहा है, कोई है फिर से आ रहा है? तो फरजान भाई आठ लग जी बहुत अच्छा मैच खेली है पाकिस्तान, इंग्लैंड सर यू नो व्हाट नो आई थिंक वो शाहीन अफरीदी जब गया था ना उस वक्त 45 रन थे और बॉलें थी बहुत कम थी, आई थिंक 28 बॉलें थी इसने कुछ थी, चार बॉलों ने मैच किया यहां, वो अच्छा डॉट करवाए बस वो शाहीन अफरीदी। हमारे साथ हार्ड लक ये कि एक तो टॉस हमारे कंडीशंस पे, जो टीम पहले टॉस जीतती है उसको सपोर्ट करती है, उनकी बॉलिंग में नजर आता है द वे वी बॉल्ड, और फिर शाहीन अफरीदी अगर तो होता तो ये मैच शायद हमारे पास होता। तो ये आपके लिए थोड़ी सी, हमारे साथ लक चलती रही पूरे टूर्नामेंट, लेकिन फाइनल में हमारे साथ लक नहीं चल सकी टॉस से लेके, शाहीन अफरीदी से लेके। लेकिन देखा जाए तो टॉस का इतना इफेक्ट हुआ नहीं, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह बॉलिंग चल रही पाकिस्तान ने लगा ही नहीं कि कोई टॉस, और जो स्टार्ट इनिंग में जो रेन हुई थी उसके बाद हमारा मोमेंटम हाथ से गया था, वहाँ पे जो 20 रन जो एक्स्ट्रा गए हमारे उसमें था, बट स्टिल और उन्होंने कमबैक बहुत अच्छा, बिल्कुल बॉलिंग अच्छी करी, फील्डिंग अच्छी करी, बस हाँ कुछ रन आउट थे जो मिस हो गए, नहीं होना चाहिए था, वो शायद हो जाते तो कुछ मैच का पल्ला कुछ कुछ बट एनीवे डिफेंडिंग 130 and taking it to the last but we should remember really appreciate yeah. it we should remember ki hum kahan se uth ke aaye kis tarike se aaye aur shaheen afridi final tak pahunche bilkul ek flip moment tha jab inke dost इफ्तिखार चाचा ने आके करवाया एक्चुअली और उसका कसूर एक चीज समझ नहीं है कैप्टन की, हमारे पास नवाज बॉलर नहीं, नहीं नवाज उस वक्त सूट ही नहीं करता उस जगह पे, इफ्तिखार इज ओके यू नो वो टाइम भी ऐसा था, अगर बाबर की जगह कोई तेज फील्डर होता ट्राई करता पूरी अपनी कैच करने की तेज रिएक्शन के साथ जाता तो मे बी वो, बट वो टाइम भी ऐसा था कि उसमें इस वक्त नवाज का नहीं बनता, वैसे नवाज वो इस तरफ चार या पांच आउट की हैं, 10 विकेट से नहीं आ रहे,
लास्ट ओवर तक लेके गए इन द फाइनल्स, ऑफ दैट मींस अ लॉट। हो गया, हां जी, पैसे वसूल हो गए। सो बेसिकली एक बहाना था जी, क्रिकेट तो चलती रहती है, हम लोग सारे मिले बैठे, सारे पाकिस्तानी कम्युनिटी वाले बैठ के मैच देखा, पाकिस्तान की जो मेमोरीज थी वो ताजा हो गई सारी, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि दोबारा से। जी 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 फरजान भाई जी सर, आपने ये मेरा भाई ऑर्गेनाइज किया टेस्ट ऑफ लाहौर में फाइनल मैच, जासिम भाई थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर दैट। लाहौर ऑफ टेस्ट का, हां टेस्ट ऑफ लाहौर ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया मुझे, हमेशा करते हैं। थैंक्स चाय वाला एज वेल फॉर द स्पोंसरशिप। या बिल्कुल एग्जैक्टली, नहीं वो चाय वाला ने स्पोंसरशिप नहीं की, उनसे लेनी है मैंने अभी। वो एक बिलाल भाई थे अकाउंटेंट थे, और एक फार्मासिस्ट बिलाल भाई थे, उन्होंने चाय वाला स्पोंसरशिप तो चलते ही रहते हैं, मतलब सबका थैंक यू स्पोंसर। नहीं वो चाय वाला वाले मेरे दोस्त हैं, वो ऐसे बात नहीं है, लेकिन वो स्पोंसर लेना उनसे अभी रहता है। सबसे ज्यादा हां जी, नहीं थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आप सबका आने का जी। चलो हमको इतने यानी कि इकट्ठा किए इतने देर के बाद। नहीं जी, मेरा इसके बाद अगर आपकी सपोर्ट हुई तो मेरा एक प्लान है कि जितने भी न्यू इमिग्रेंट्स आए हैं, पाकिस्तानी और स्टूडेंट्स आए हैं, मैंने एक मीट एंड ग्रीट रखना है यहाँ पर ही, विद डिनर और लंच, लाइक एवरीथिंग विल बी फ्री। सो इससे ना सारे एक दफ़ा मिले जुलेंगे, सारे वो गपशप भी होगी, मैं कुछ कम्युनिटी के सीनियर लोगों को बुलाऊंगा। वैसे पाकिस्तान तो मैं कुछ कर नहीं सका, वापस आए हूँ तो ट्राइंग यू नो कि दोबारा से वो चीज़ें खोजें। तो बहरहाल जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई नो थोड़ा सा आज पाकिस्तान वालों को थोड़ा सा दिल थोड़ा सा मुश्किल दिन होगा, लेकिन आप लोगों को हिम्मत नहीं आनी चाहिए, आप लोगों को खुश होना चाहिए कि आपकी टीम ने इतना अच्छा खेला। इंग्लैंड बहुत बड़ी टीम है, उसके अगेंस्ट इतने 138 कुछ भी स्कोर नहीं है, उसके बाद जाके इतना फंसाया, लिटरली पाकिस्तान मैच जीत सकता, लेकिन शाहीन अफरीदी इंजर्ड ना होता, बट वॉज वंडरफुल शो। आई होप आपने ये मैच भी इंजॉय किया होगा, ये वीडियो भी इंजॉय की। आपसे मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखेगा। अस्सलाम वालेकुम और पाकिस्तान सारे करेंगे जी। इधर आ जाए, इधर आ जाए, इधर आ जाए, इधर आ जी। 1 2 3 पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।